ये है दुबई की सबसे नई अट्रैक्शन, शायद से दुनिया की सबसे अनोखी बिल्डिंग, सिर्फ कुछ हफ्ते पहले ही खुली है। आज के व्लॉग में आइए करते हैं इस म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का एक डिटेल्ड टूर। यहाँ पर एक चीज हवा में उड़ने लग रही है और ये किसी स्ट्रिंग से बंधी नहीं हुई है, ये लिटरली हवा में उड़ रही है, फ्लोट कर रही है। ऐसा लगता है कोई फ्यूचरिस्टिक सा जानवर हो। तो पूरा म्यूजियम एक्चुअली में 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। हम अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, जो कि 5th फ्लोर पर है और इसका नाम है OSS होप। इस चैप्टर की थीम है स्पेस एक्सप्लोरेशन। ये इमेजिन किया गया है कि हम साल 2071 में टाइम ट्रेवल कर चुके हैं और इस साल में एक बड़ा ही जबरदस्त स्पेस स्टेशन अर्थ के बाहर एग्जिस्ट करता है ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन नाम से। बहुत ही जबरदस्त एनवायरनमेंट इन्होंने क्रिएट कर रखी है। आसपास की सराउंडिंग्स को देखकर, यहाँ चलकर सही में ऐसा लगता है कि आप साल 2071 में हो और एक स्पेस स्टेशन के अंदर हो। So this station here is called the outside possibilities. This is explaining to you all the missions that we have in the future, as well as some of the active missions that we've had in space. इस space station के अंदर इन्होंने current ongoing missions के बारे में बता रखा है जो अभी चलने लग रहे हैं साल 2071 में, और बहुत सी जबरदस्त futuristic technologies के बारे में information दे रखी है। एक ऐसी ही बहुत interesting technology है moon से energy generate करना। Moon पर solar panels लगाए गए हैं इस साल में, और जो भी सोलर पैनल्स एनर्जी जनरेट करने लग रहे हैं वहां पर, उसे एक लेजर बीम के थ्रू धरती पर भेजा जाता है और पूरी धरती की एनर्जी नीड्स इसी से ही कंप्लीट होती हैं। यहाँ पर इन्होंने दिखा रखा है वो लेजर बीम से जो एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं धरती की तरफ। This is called the exoskin. So we talk about medicine, let's say ailments. This will tell you in advance any kind of disease you'll get, Alzheimer's, cancer, as well as how you can change your diet to avoid those diseases. You wear it like a glove. Yes, you wear it like a glove. You wear it on your finger. Yeah. It takes part of your body, and it will give you updates. It's like the next level of Apple Watch or something. Yeah. Apple Watch. Which station is passing over what part of Earth, right? What if you're this? Yeah. Best view in the world. Only if it wasn't a screen. यहाँ पर उन सारे लोगों के नाम लिखे हैं जो एक्चुअली में स्पेस में मारे गए हैं अनफॉर्चुनेटली, जैसे कि कल्पना चावला का नाम भी यहाँ पर है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर उन लोगों के भी नाम लिखे हैं जो इमेजिनरी 2022 से लेकर 2071 तक मारे जाएंगे स्पेस में। तो यहाँ 2014 तक एक्चुअल रियल डेथ है जो स्पेस में हुई थी, उसके बाद यहाँ इमेजिनरी नाम लिखे हैं। तो पूरी जो फीलिंग बना रखी है ना कि हम साल 2071 में हो, तो वो फीलिंग आने लग रही है। Congratulations, our ambassador. ये जॉब की एप्लीकेशन हो रही थी यहाँ पर। Mars colony ambassador to Earth. OSS का मतलब है ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन। ऑब्वियसली इन्होंने ये ISS से नाम लिया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो आज के दिन भी एग्जिस्ट करता है, रिक्रूटमेंट सेंटर उनका। और इस चैप्टर के एंड में हम इजेक्शन पॉड्स में बैठकर वापस धरती की ओर गिर जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दुबई जा रहे हैं हम, और दुबई के पाम आइलैंड्स दिखने लग रहे हैं। ऐसा
ऐसा ये इमेजिन करते हैं कि दुबई दिखेगा साल 2071 में। एक फ्लोर नीचे हम आते हैं इनके सेकंड चैप्टर में, जो कि धरती की बायोडायवर्सिटी के ऊपर है। यहाँ इन्होंने एक जबरदस्त डीएनए लाइब्रेरी बना रखी है, जिसमें 2400 से ज्यादा एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज के स्पेसिमेंट्स रखे हैं। इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो सेकंड चैप्टर है इस म्यूजियम का, इस ये हीलिंग के बारे में, नेचुरल इकोसिस्टम्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो इनकी कहानी में हम वापस अर्थ पर आ गए हैं और अब हम इस जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये एक बायोसिंथ डिवाइस है, जिससे हम ये सारे स्पेसिमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि साल 2071 में क्या चांसेस हैं कि वो एक्सटिंक्ट हो गया होगा। तो ये वाला जो इंसेक्ट है, इसे स्कैन करके देखते हैं, ये रेड हो रहा है। इसका मतलब है कि ये चांसेस यही है कि एक्सटिंक्ट हो जाएगा साल 2071 तक। इसका नाम है लेवुआना मॉथ। वाज अ कोकोनट प्लांट पेस्ट ऑन द आइलैंड ऑफ फिजी। Oh, it's still alive. That's good. Here, the top here, right? Oh, yeah, this one for sure. Let's check the top here, because this one we just saw in Mexico. Oh, it's also alive. Really? It's a mouse or something. It's not a top here. It looks like one. यहाँ पर इन्होंने फ्यूचरिस्टिक एनिमल्स भी दिखा रखे हैं, जैसे कि एक बायो इंजीनियर्ड मॉथ बायो इंजीनियरिंग भी कर रखी है एनिमल्स और प्लांट्स पर। हालांकि मुझे लगता नहीं साल 2071 तक ये सब पॉसिबल हो पाएगा। ये सारी इमेजिनेशन मुझे लगता है 2200 में जाके कंप्लीट होगी। ये है चैप्टर 3। Just an effect. It feels like water. It feels almost like stepping in water. Chapter 3 का focus है technology से disconnect करना और अपने अंदर झांक कर देखना। It's like a massage. Yeah. ये एक फीलिंग थेरेपी थी, वहाँ पे कुछ हवा सी निकल रही थी और साउंड इफेक्ट्स आ रहे थे और एक तरह की मेडिटेशन थी। हाथों पे आपके फील करा रहे थे, क्योंकि हाथ पे सबसे ज़्यादा सेंसर्स होते हैं, कह सकते हो सबसे ज़्यादा नर्व एंडिंग्स होती हैं, जैसे हमें फील होता है। ये है ग्राउंड थेरेपी। ओह माय गॉड। यहाँ रहकर आप पूरी तरीके से आपका माइंड रिफ्रेश्ड हो जाएगा और आप रिलैक्स्ड फील करोगे। Okay, so here we have a connection therapist called Universal Harmony. As you can see in front of you at the top, we have our mics. All you have to do, you have to hum through this mic. You know the humming voice, like hum. Okay. So when you hum, your material reach the top. We're trying to connect all of them so we can achieve harmony by working together. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. You ready to hum? Yeah. Okay. Let's start. Keep humming, keep humming. Perfect. So as you can see now, it's all getting connected together because we achieved our target by working together. There is a smell coming out now. Can you smell it? Yes. Perfect. So I was laughing. Like, because once it's connected, you can start humming and you get to start smelling. You smelled it? Yeah. It smelled like herbs, right? Yeah. Yeah, like oregano or something. Yeah. Yeah. Okay.
ये बहुत ही जबरदस्त जगह है मेडिटेट करने के लिए. यहाँ पर लेटते ही इतनी रिलैक्स्ड फीलिंग आ रही है कि मन कर रहा है कि सो जाओ. यहाँ पे एक छोटा सा पावर नैप कर लेते हैं. मेडिटेट करते हुए ये बड़े जबरदस्त पैटर्न्स दिख रहे हैं और ये पैटर्न्स एक्चुअली में वाइब्रेशन से आ रहे हैं. और यहाँ पानी रखा है तो नीचे साउंड की वाइब्रेशन से पानी में वेव्स बन रही हैं जो हमें इस प्रोजेक्टर पर दिख रही हैं. या परिवार के लिए फ्यूचर हीरोज एजेस 10 एंड बिलो. यहाँ पर वैसे फोन चार्ज करने की भी जगह है अगर आपकी बैटरी खत्म हो जाए तो. सारी फैसिलिटीज बना रखी हैं. इतनी मॉडर्न बिल्डिंग है ये. ये लिफ्ट दिखने में पूरी एक हाइपर लूप के कॉन्सेप्ट की तरह लगती है. कमाल है मतलब. ये है इनका चैप्टर 4 जो कि सेकंड फ्लोर पर है. और यहाँ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी दिखा रखी है जैसे कि फ्यूचर के ड्रोन्स, फ्यूचर की गाड़ियाँ, ट्रांसपोर्टेशन. बड़ी ही यूनिक साइकिल है. बीच से पहिया नहीं घूमता बल्कि यहाँ से पहिया घूमता है और इसी की मदद से लॉक भी किया जा सकता है पहिए को, साइकिल को लॉक करते वक्त. और अब चलते हैं इस म्यूजियम के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर जो इनका व्यूइंग डेक है बाहर. It's like being in a sauna. बड़ा ही कमाल का व्यू है यहाँ पर. यहाँ रहकर एक अजीब सी फीलिंग आती है क्योंकि ये पूरी चीज एक कर्वेचर में ही है. ये सेम प्लेन ऐसे होता है, ऊपर जाके वहीं से नीचे आ जाता है. कभी नहीं देखा ऐसे. Sleepy face. Nicotine, you're a strict non-smoker. Anxiety detect. Like honey. It's such a fail robot. और ये फाइनली आखिरी सेक्शन है म्यूजियम का जो कि बच्चों के लिए है. हमने जर्नी ऊपर से शुरू करी थी जो स्पेस स्टेशन वाला था, उसके बाद हम नीचे आते गए और ये सेकंड फ्लोर है और इसके नीचे बस एंट्रेंस ही है, एंट्रेंस वाला एरिया. तो यहाँ पर इस जर्नी का अंत होता है. हालांकि इस बच्चों के सेक्शन में भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें ज़रूर है जैसे कि ये. My head's so hard. Ow. Of the future. Yeah, big
शुगर अंदर डाल के बताना है कि एक्चुअली में है क्या इसके अंदर. यहाँ पे बहुत सारी ऐसे बॉक्सेस रखे हुए हैं जो टच से सेंस करके बताना है कि क्या है. व्हाट आई हैव इज स्प्रिंग. नो इट्स नॉट पास्ता. आई थॉट इट वाज स्प्रिंग. अगर आप सोच रहे थे कि इस म्यूजियम के ऊपर जो राइटिंग लिखी हुई है बाहर अरेबिक में वो क्या लिखी हुई है, तो वो यहाँ आप देख सकते हैं. एग्जैक्टली ये कोट्स लिखे हुए हैं. अगर आप यहाँ पर आओ और आपको बेस्ट फोटो स्पॉट ढूंढना है तो ये होगा वो बेस्ट फोटो स्पॉट. दो एंट्रीज हैं इसकी. दूसरी साइड हाईवे वाली है, ये साइड से एक होटल पड़ता है, तो इस वाली साइड पर आ जाना और एंट्री के थोड़ा सा इस तरफ आपको मिलेगा ये बेस्ट लोकेशन फोटो खींचने के लिए. क्योंकि देखो यहाँ से ना सिर्फ म्यूजियम बढ़िया दिखता है बल्कि फ्लावर्स भी दिख रहे हैं, झंडे भी दिख रहे हैं और ग्रीनरी भी बहुत अच्छी लग रही है.